श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अक्टूबर 2023 को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है और दोस्तों ये बड़ी अमावस्याओं में से एक है। ये अमावस्या शनिवार के दिन पड़ने से इस दिन शनिचरी अमावस्या भी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा दिन है और सर्व पितृ मोक्ष मतलब नाम में ही समझ आता है कि ये आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली अमावस्या है। तो अगर आप इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी दुख और समस्याएं तो दूर होंगी ही, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही में दोस्तों आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। तो इस उपाय को आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। ये बहुत बड़ा उपाय है, एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला विशेष उपाय, ठीक है। तो हम इस उपाय को अच्छे से समझाने वाले हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यह उपाय आपको किस दिन करना है? सिर्फ श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष या सर्व पितृ मोक्ष जो अमावस्या होती है उस दिन, जो कि इस बार 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही है। ये सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के ही नाम है, पितृ पक्ष अमावस्या या श्राद्ध पक्ष अमावस्या, ये एक ही दिन है, ठीक है। और यह अमावस्या बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है। इस दिन सभी के पितृ जो होते हैं वो धरती पर आते हैं और धरती पर आकर शाम के समय क्या होता है कि ये सभी जो है नदी बावड़ी और तालाब के पास में जो है जल ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो उपाय में क्या करना है सबसे पहले वो हम लोग समझते हैं। देखो, यह उपाय आप लोगों को कब करना है? 14 अक्टूबर के दिन रात्रि में शुरू करना है, ठीक है। उपाय क्योंकि एकदम से पूरा नहीं होगा, कुछ समय लगेगा इस उपाय को पूरा होने में। तो सबसे पहली चीज़, आपको शाम के समय या रात के समय क्या तैयारियां करनी है इस उपाय को करने के लिए, वो आप लोग सुन लो। देखो, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या या पितृपक्ष अमावस्या किस दिन है? 14 अक्टूबर 2023, है ना। पूरे दिन आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है रात्रि के समय लगभग 8 से 9 या 9 से 10 बजे के बीच, आप ये मतलब समय समझ सकते हो, ठीक है। तो 8 से 10 बजे के बीच में आप यह वाला काम करना है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। अब चावल की कटोरी कैसा है, एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो वो चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने, कितना डालना है? बिल्कुल चावल की कटोरी हल्का सा मतलब फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना, बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है। और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है, जो छोटी कटोरियाँ होती है ना वो वाली, तो उसके अंदर फुल आप लोग चावल भर लो। थोड़ा सा कम रखना फुल से, बस उतने चावल आप लोग रख लो, है ना। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस चावल की कटोरी के ऊपर मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? एक कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग ये कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो, कपूर आजकल बहुत प्रकार के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में प्रयोग करो, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है जहाँ पर पूजन सामग्री मिलती है, वहाँ पर जाकर उससे बोलना कि वो आपको कपूर दे दे। अब वो आपको दो तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वो कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियाँ गोलियाँ होती हैं और वो गोलियों के रूप में कपूर होता है, ठीक है। और दूसरा वो बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है डिल्ला होता है या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, ठीक है, मतलब बड़ा बड़े टुकड़े जैसे होते हैं, ये दूसरा वो आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो आप वो वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा अगर देखा जाए तो जो टुकड़े वाला कपूर होता है आप इस उपाय में वो वाला प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, उपाय के लिए करना है। और अगर आपके पास गोल वाला भी जो कपूर है ना वो भी अगर आप लोगों के पास है वो भी आप ले आते हैं तो वो भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो, और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वो एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग को अपनी चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है, ठीक है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है वो छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना, ठीक है। अब रखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती है ना उनको ये उपाय करना है, घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना है, जो भी माताएं बहनें हों उनमें से, ठीक है। तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वो भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है, और उसके बाद में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहाँ पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहाँ पर जाना है। अब देखो, जिनके खुद के घर हैं
उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार होता है, एक मेन गेट होता है, वहाँ पर वो लोग जाएंगे, ठीक है। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं, उनके लिए क्या, उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहाँ पर जाना है? तो देखो, जिनके खुद के घर हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक मेन गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टीज़ और किराए के घर में हैं, उनके किराए के घर का वो आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टीज़ के उस कमरे का वो आखिरी गेट जहाँ पर आपका मल्टीज़ का कमरा है, मतलब जहाँ से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय मतलब पूरा करना है, ठीक है। और जिनके घर का मुख्य दरवाज़ा है वो तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। दरवाजे पर आ गए आप लोग, मेन गेट पर आ गए। अब उसके बाद इस चावल की कटोरी को आपको कहाँ पर रखना है? देखो, आपका घर का जो दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर, ठीक है। ऊपर कोई दीवार वगैरह हो तो दीवार पर भी रख सकते हो, और नीचे अगर सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। पर नीचे रखोगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूलकर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाज़ा है या जो चौखट है उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊँचाई पर रख दो या थोड़ी नीचाई पर रख दो, वो सुरक्षित रहनी चाहिए वो कटोरी। उस कटोरी के चावल कहीं पर जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पे आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना है। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप उस सीधे हाथ की हथेली पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है इस कटोरी को रख दीजिए, ठीक है। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच में, कभी भी। किस दिन? अमावस्या के दिन, ठीक है। अमावस्या के दिन रात्रि में ये उपाय शुरू होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, ठीक है। मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड ये चावल की कटोरी, जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ, ये रख दिया। अब इसके बाद आपका आधा उपाय होता है पूरा, और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं, ठीक है। अब पूरी रात, मतलब कि जो अमावस्या की रात होगी, वो पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। आपको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना, कोई उसे हानि ना पहुंचाए, ठीक है। कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचा कर रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, पूरी रात आप इसे रखे रहने दो, और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है सुबह के समय, प्रातःकाल सुबह सुबह। देखो, अमावस्या के दिन ये उपाय शुरू होगा और अगले दिन नवरात्रि लग जाएंगे, शारदीय नवरात्रि लग जाएंगे, मतलब नवरात्रि का पहला दिन एकम लग जाएंगे। तो उस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा, एकम होगी, तो सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है, ठीक है। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को, पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप लोगों को शुद्ध वस्त्र, शुद्ध हो जाना है बिल्कुल पूर्ण रूप से, ठीक है। धुले हुए कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की साफ सफाई जो करना चाहें वो पहले कर लीजिए, अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लीपना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वो कर लीजिए, आपके सारे काम हो जाएं। सारे काम होने के बाद, उसके बाद जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि 7, 8, 9, 10 बजे तक भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के बाद आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना, ठीक है। उस माचिस को लेकर अब आप आना इस उपाय को पूरा करने के लिए। उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी इस कटोरी के पास में, जहाँ पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है, देखिए, इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखा हुआ था? एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब ये रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो, ठीक है। चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहाँ पर रखी हुई है वहीं पर रखे रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा, माचिस जलाकर जला देना है, ठीक है। आपने वहीं के वहीं जला दिया, जब तक वो कपूर का टुकड़ा जलता है जब तक आपको अपना मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है, ठीक है। जब तक वो मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वो जल नहीं जाता, उसके जलने का इंतज़ार करो। और जब वो पूरा जल जाए, अच्छे से आग ही उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए उसी चावल के कटोरी के ऊपर ही, तो आपको करना क्या है, अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए, अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है, और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है, इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहाँ पर डालोगे? देखो, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे,
पेड़ के नीचे ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेड़ हो जहाँ पर पक्षी आते हों दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वो वृक्ष आपके घर में ही क्यों ना हो, अगर आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी की कह रहे हैं, जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो आती हैं दाना चुगने के लिए, तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे जाकर इन चावल के दानों को आप वहाँ पर पूरे में फैला दीजिए, ठीक है। मतलब डाल दीजिए इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को। पेड़ के नीचे डालना है मतलब पेड़ की छांव में डालना है, ऐसा नहीं पेड़ यहाँ है और आप दूर जाके डाल रहे हो, पेड़ के नीचे ही आप लोगों को ये पूरे चावल जो है डाल देने। डालने के बाद अब बस वो अपने आप जो पक्षी होंगे वो इन सारे दानों को चुग लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल हैं, इन चावलों को पशु जो ने मतलब जो पक्षी होते हैं वो चुग लेने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हमने बोला कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहाँ पर पक्षी आते हों, ठीक है, क्योंकि पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर हमेशा ज़्यादातर जो है पक्षी बैठे रहते हैं, तो किसी भी पेड़ के नीचे आप लोग इन चावल के दानों को डालकर आ सकते हो और घर आकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब इस उपाय को करने से हुआ क्या, आपके घर पर आ रही दुख और समस्याएं दूर होंगी, आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही में जो भी दुख समस्याएं आने वाली होंगी वो नहीं आएंगी, आपको जिस काम में सफलता नहीं मिल रही होगी आपको उस काम में सफलता भी मिल जाएगी, ठीक है। इतने सारे फायदे हैं मात्र इस एक उपाय को करने से। तो दोस्तों बाकी यही उपाय था, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस उपाय को करने के बाद आपके घर से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी और आने वाली और समस्याएं भी आपके ऊपर नहीं आएंगी। बाकी कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालेश्वर सरकार, जय बागेश्वर महादेव।